अनुज जो पहले तूने क्या कहा था, बट जसलीन मेरी फ्रेंड है, अनुज जी भी मेरे पुराने फ्रेंड है, बट अभी अनुज जी जसलीन को छोड़ चुके हैं और मुझे पकड़ चुके हैं। हाँ, अभी मैं उनसे संगीत सीखने जा रही हूँ, सारे गा मा पा धा नी सा। तो आपका अनुज जी के साथ शिष्य गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप है? गुरु शिष्य क्या क्या गुरु शिष्य, जो जो रिश्ता जसलीन और अनुज जी का था वही हमारा होगा जी। यानी माना जाता है अब अनुज जी आपके बॉयफ्रेंड है, आप उनकी गर्लफ्रेंड है? जी जी, आप हर तीन महीनों में चेंज करते रहते। अच्छा, हर तीन महीनों में चेंज करते हैं तो मेरे बाद अर्शी की बारी। अर्शी तो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट देखिए आपके सामने इंडिया टीवी में उन्होंने कहा था कि अब राखी सावंत भी आ सकती है संगीत सीखने के लिए, तो बस मैंने डांस कर लिया, मैं नेता बन गई, मैं समाज सेवा कर ली, अब मुझे संगीतकार बनना है, मतलब यू नो सिंगर बनना है। तो अनुप जी, आई एम कमिंग टू यू, और अभी मैं आपको सिंगर मतलब सिंगिंग सीखना चाहती हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। पहला गाना कौन सा आप सिखाएंगे? आप कौन सा सीखना चाहेंगे? कौन सा कोई रोमांटिक सॉन्ग बताओ भाई। हाँ, दिल भर दिल भर दिल भर दिल होश न खबर है ये के सलमान हमें पीट न देगा ये। अच्छा राखी, ये दिल भर गाना हम जी राखी, जिस तरह से अनुप जी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके रिलेशनशिप को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा, क्या इसमें सच्चाई है? झूठे हैं वो। अच्छा, जसलीन का हाथ पकड़ के सलमान खान के सामने एकदम थर्ड वार्ड में गए थे, वहाँ ये सारी किसे भूल गए, सारे पैसे बिग बॉस के हजम कर गए और जसलीन को भूल गए।